दिन अभी की माँ की मौत हो जाती है और उसके पिता पूरब प्रज्ञा नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं। प्रज्ञा वहाँ अपने बेटे रणवीर के साथ रहने आती है और वो अभी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। दिन बाद अभी के पिता पूरब को काम से बाहर जाना पड़ता है और मौके का फायदा उठाकर प्रज्ञा अभी का कमरा छीनकर रणवीर को दे देती है और अभी को किचन में सोने पर मजबूर कर देती है। एक दिन उसके शहर में अनाउंस होता है कि राजकुमारी प्राची की शादी होने वाली है, इसीलिए सब उनकी पार्टी में आए, उन्हें जो पसंद आएगा वो उनसे शादी कर लेंगी। जब ये बात प्रज्ञा को पता चलती है तो वो अपने बेटे रणवीर को बताती है और कहती है, जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हमें एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है। तभी अभी कहता है, मैं भी चलूंगा, लेकिन प्रज्ञा उसे मना कर देती है। पर फिर भी वो न्यू कपड़े पहनकर नीचे आता है और रणवीर उसका शर्ट फाड़ देता है ताकि वो पार्टी में ना जा पाए। और फिर रणवीर और प्रज्ञा पार्टी में चले जाते हैं। इन सब से अभी बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने घर के पीछे बगीचे में जाता है। वहाँ उसे बूढ़ी औरत दिखती है और वो उसे दूध का कटोरा देता है, जिसके बाद बूढ़ी औरत एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और अभी को अपने जादू से राजकुमार बना देती है। फिर अभी उस पार्टी में जाता है जिसे देखकर प्राची खुश हो जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। तभी अभी को याद आ जाता है कि उसे वापस भी जाना है, नहीं तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा और वह वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके दोनों पैर के जूते वहीं रह जाते हैं और अगले दिन प्राची सभी लड़कों को बुलाती है और कहती है, ये जूता जिसका है वो उसी से शादी करेगी। तभी अभी वहाँ आता है, लेकिन तभी दूसरा अभी भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर प्राची घबरा जाती है और उन दोनों से जूता पहनने को कहती है और दोनों जूते को पहन लेती हैं, जिसके बाद प्राची पता लगाने की कोशिश करती है कि इनमें से असली अभी कौन सा है। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से असली अभी कौन है? ये बताने के लिए आपके पास 10 सेकंड का वक्त है और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, प्राची समझ जाती है कि असली अभी जो राइट साइड में खड़ा है वो है और नकली अभी जो लेफ्ट साइड में खड़ा है वो है, कि क्योंकि राइट साइड वाले अभी के पैर के जूते फिट आए हैं, वहीं लेफ्ट साइड वाले अभी के जूते से एड़ी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और किस किस ने 10 सेकंड में पजल सॉल्व कर लेती, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।